मेरे कान में कीड़ा चला गया। और ये ऐसी बाइक है जिसमें 190 रुपए में टैंक फुल हो जा रहा है। 690 रुपए वो सामने देखे, 190 वो ऊपर देखिए। वो देखा देखिए मैं, एक और आदमी हमारा यहाँ फोटो शूट के लिए गया हुआ है, इसको भी वैसी फोटो चाहिए, नेचुरल एस्थेटिक फोटो। अब ढूंढ दो चाबी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये हमारा कौन है, ये इसमें देख, ये बाबू, हमारे धारी वाली आंटी, ये पाटनी आंटी, ये जा, ये बाबू, तो सबको भाई में जा रहा हूँ गंगोली यार, ठीक है, बेटा बरात में जा रहे हैं अपने दोस्त की, बाय बाय, फिर मिलता है। पिथौरागढ़ से चलते चलते मुझे 10 किलोमीटर हुए थे और सामने आप देखते हैं एक खूबसूरत सी मैन मेड झील जिसका नाम है थरगोड़ झील। कोलीढीक झील जो लोहाघाट में थी उसी की तरह अब कुछ समय बाद यहाँ पर भी बहुत चहल पहल होने वाली है दोस्तों, तो तैयार रहिए आप। थरगोड़ झील के बाद जैसा कि आप देखते हैं हमेशा ही हम जब भी ट्रैक पर जाते हैं, कहीं को भी जाते हैं, तो बिरला मंदिर पर हम वहाँ पर ज़रूर रुकते हैं जो कि थरगोड़ झील से बस 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। रंगोली आर्ट कहाँ को, और मैं पहुंचा हूँ घाट पे जो पिथौरागढ़ से 30 किलोमीटर दूर है, और यहीं से फर्स्ट रोड कटती है ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं, वहाँ से जाएंगे हम तनहूर की ओर, चंपावत लोहाघाट की ओर, और जब मैं मुड़ूंगा दाई ओर वहाँ से जाएंगे अल्मोड़ा वाला रूट और गंगोली घाट। तो लीजिए दोस्तों आपका स्वागत है, मैं सत्यवीर कन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत सी सुबह में। तो दोस्तों मैंने घाट को पार कर लिया और मैं राइट साइड को मुड़ा हूँ वहाँ से उस पुल से, और आप सामने अभी मेरे जो नदी देख रहे हैं यह है सरयू नदी, और जो पीछे पुल था वो था सरयू पुल। यहाँ पर एक बात नोट करने की है, थोड़ी आगे चल के जब मैं आगे की ओर बढ़ूँगा गंगोली घाट की तरफ तो एक जगह आती है रामेश्वरम, तो वहाँ पर हमारी रामगंगा नदी और सरयू नदी का संगम होता है, और उसके बाद इस नदी को सरयू कहा जाता है, और इस सरयू के नाम से ही आगे बढ़ती है, और पंचेश्वर में जाके इसमें काली नदी मिलती है, और जब दोनों नदियां मिल जाती हैं उसके बाद वही दोनों मिलके आगे को शारदा के नाम से बढ़ती है। तो भैया कुल मिला के घाट वाली रोड में चल रहा है काम, यानी जो घाट से लेके पिनार के बीच में जो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है बहुत ख़राब रोड थी इससे पहले, तो आज उस पर काम चल रहा है और दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। खैर टू व्हीलर के लिए तो उतनी दिक्कत नहीं होती है निकलने में, निकल जाएगी, बस थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ, लेकिन गर्मी बहुत है। 5 से 10 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद मुझे पास मिल गया, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड ये छोटा सा आप देख रहे हैं मिट्टी का रास्ता, इसमें से गाड़ी निकल जाती है टू व्हीलर, तो मेरे को परमिशन दे दी कि आप निकल जाइए। दोस्तों मैं पनार को पार कर चुका हूँ और मैं बढ़ चला हूँ गंगोली घाट की तरफ। तो आज की इस जर्नी की खास बात यह है कि मुझे आज अपने बचपन के दोस्त मिलेंगे, मतलब जहाँ हम जा रहे हैं, तो ये मेरा यूट्यूब में पहला ऐसा वीडियो होगा जो मैं अपने स्कूल मेट, जो स्कूल दोस्त होते हैं उनके साथ। थाना गंगोली घाट, तो ये बॉर्डर है गंगोली घाट में एंट्री करने का, मतलब आप ही मान सकते हैं यहाँ के बाद गंगोली घाट की सीमा मेन मार्केट वाली सीमा शुरू हो जाती है, और इसके बाद आपको सबसे पहले मिलता है ये पेट्रोल पंप। मैं एंट्री कर चुका हूँ कुंजनपुर की सीमा में, और अभी सामने आप मेरे मकान देखेंगे वो जहाँ पर गाड़ी खड़ी है। तो बचपन में हमारे एक टीचर हुआ करते थे जो हमें इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाते थे, तब वो मार्केट रहते थे, हम उन्हें प्यार से अंडा मसाज करते थे। तो आप कभी वीडियो देखे तो आपको नमस्ते और ये शब्द के लिए सॉरी भी, तो हम बचपन से ऐसा कहते थे तो वही रह गया है दिमाग में आपसे। और सामने अभी आपको मैं लेफ्ट साइड एक मकान दिखाऊँगा, तो वो है तानिया का घर, दिखाता हूँ आपको।
तो दोस्तों बताना हाँ, इनका घर कैसा लगा आपको? सामने से शुरू हो चुकी है गंगोली हाट की मार्केट, और मेरा एक दोस्त ही मार्केट में उनकी मतलब पुरानी शॉप है, पैतृक शॉप है, तो उसको आजकल वो संभालता है देवेश नागपाल। तो मैं उसी की शॉप के सामने स्टे करूँगा, मतलब गाड़ी को रुकूँगा। और ये है अभी आप जो देख रहे हैं गंगोली हाट का स्टेशन, केमू की गाड़ी यहीं पर रुकती है, और दाएँ साइड है यहाँ का एक जाना माना मिष्ठान भंडार, विक्रम मिष्ठान भंडार। और वो सामने जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये है शाह होटल, और उसी के नीचे पर है हमारे दोस्त देवेश की शॉप। तो ये है वो दुकान, और ये है वो शख्स देवेश पाल, बर्तनों की शॉप है इनकी। तो चलिए मैं पहुंच चुका हूँ भैया, अब बाकी दोस्तों को इंतज़ार कर लेते हैं भैया उनका भी, कहाँ कहाँ हैं सब लोग। और ये है दूसरा शख्स अश्विनी मेहरा, हल्द्वानी से आया हुआ है ये। ये आदमी है देवेश नागपाल, ये अश्विनी मेहरा, और ये है आदमी हमारे साथ, दो घंटे से इसने हमको अपनी दुकान में बैठा रखा है, और इस आदमी ने 2500-3000 रुपये कमा रखे हैं आज जाने के लिए, तो आज वही खर्चे होंगे। रिकॉर्ड कर लिया हमने भैया ये, अगर तुमने पैसे खर्च नहीं किए फिर देख लो, तुम चालान होगा तुम्हारा आगे पर, ठीक है? बस मैंने फेंक दी नहीं है ककरियाँ वो नीचे। हमारे वर्मा जी हैं ये, हमारे साथ मित्र हुआ करते थे, हमारे साथ पढ़ा करते थे, और दसाई तल में इनकी बहुत बढ़िया सी दुकान है। जब भी आप दसाई तल की तरफ आए इस दुकान में ज़रूर आए। ये देखिए इसके सामने खिरमांडे वाली रोड के जस्ट अपोजिट साइड जय श्री राम जनरल स्टोर। चलो फिर चल रहे हैं वर्मा जी। ये मेहरा जी डब्बा चल 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 मेरे कान में कीड़ा चला गया, बंदा हेलमेट में भी कीड़े चले जा रहे हैं, देख रहा है? ये निकला यार अभी भी। तिल्ली है, माचिस है? हाँ माचिस दे यार, एक बार वो कर ले। निकल गया। हाँ निकल गया, उड़ गया कान में से निकल गया। बाप रे इतना अंदर घुस गया। हाँ मुझे एक बार हवा कर लेता ना जोर से कान से। ठीक है अब, ठीक है ठीक है। और ये ऐसी बाइक है जिसमें 190 रुपये में टैंक फुल हो जा रहा है। 190 रुपये वो सामने देखे, 190 वो ऊपर देखिए वो, ठीक है 1500 इसकी गाड़ी में डीजल जा रहा है ना। वाह पहली बाइक है जिसमें डीजल जा रहा है, वाह वेरी गुड। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये क्या लेके आए उसमें? ये तो हम भी ले आए यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो। हाँ चलो चलो आगे, भी कहाँ से है रास्ता है ललित बताएगा ना। तो आगे तुम चलो ना, हम चल रहे हैं आगे। हाँ हाँ हम चल रहे हैं। देखो कौन है भाई, मजा आ रहा है तेरे को ब्लॉग में आज? आ तो हिट हो जाएगा तू, अपने दोस्त की कृपा से पहली बार यूट्यूब पे। अलग अलग नहीं जाना है, रास्ता में दिखाऊंगा तुम सब लोग नए। कुल मिला के ये लोग आए हैं पंजाब से, यहाँ आगे बस रखा है आदमी, ये बताएगा हमें रास्ता है पहाड़ में। गुलाब नागपाल का पोता। अपने आप जाता है जाने दे। अब ढूंढ दो चाबी। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां से हम काली ताल के लिए पैदल यात्रा करेंगे, और आज हम आए हैं शॉर्ट रास्ते जो बहुत शॉर्ट है। मुझे भी नहीं पता था जब मैं पहली बार आया था, तो मैं बहुत लंबे वाले रास्ते आया था। तो इस जगह का नाम है दूनखोला। तो दूनखोला से अब हम जाएंगे पैदल पैदल। तो ये मेरे 3 साथी हैं, अश्विनी, डम्पू और ललित। ये बचपन के स्कूल के दोस्त हैं मेरे, देख लो 1 2 3। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओए सब तू डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब। क्या कह रहा है अभी, क्या कर रहा था तू वहां पे बता दो सबको। बहुत ही फर्जी आदमी ये चैनल बहुत नंबर 1 क्लास है भाई, और आप इसको जितना लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारी बातें काल्पनिक है, आपको नया नया कंटेंट मिलता रहेगा। बहुत बढ़िया, चल भाई अश्विनी की अच्छे से फोटो खींचना, अपनी अपनी फोटो कब तक खिंचाएगा ब्रो? लुक हियर ब्रो, ये फोटो
ये हमारा मॉडल है, ये फोटोग्राफर है, विराट कोहली का छोटा भाई। विराट कोहली की सस्ती कॉपी है। नाउ ही हैज टर्न, ये है मॉडल, एडिडास का एवी बास है। अरे खड़े रहना, ब्लॉगर आ रहा है, ब्लॉगर के साथ करना पड़ा ना भाई। तो बैकग्राउंड में आप जो व्यू देख रहे हैं, पानी बहुत कम है, लेकिन पानी की गहराई को कम मत आंकना कभी भी। यहाँ हाल फिलहाल कम से कम 50 से 60 लोग डूब चुके हैं और उनकी मौत हुई है। तो आप भले ही पानी कम दिखे, लेकिन आपको जब तक तैरना नहीं आता तब तक पानी के साथ दूर बिल्कुल ना जाएं। किनारे तक जा सकते हैं आप, ये जहाँ पर आपको पानी बहुत दिखाई देता है कुल मिला के, वहाँ तक जाइए, उससे आगे बिल्कुल ना जाइए। और फोटो के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना, सेल्फी के चक्कर में। तो ये आपसे निवेदन है मेरा, ऐसी जगहों पर जब भी आएँ तो पानी के अंदर जाने से बचें गाइस। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, ये लास्ट में हमने फोटो शूट कर लिया है यहाँ पे, तो अब हम जा रहे हैं। तो ये फोटो शूट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, अब इसका प्री वेडिंग शूट चल रहा है भैया, बिना लड़की के। देखा देखी मैं, एक और आदमी हमारा यहाँ फोटो शूट के लिए गया हुआ है, इसको भी वैसी फोटो चाहिए, नेचुरल एस्थेटिक फोटो, एस्थेटिक फोटो। ये आए फोटो खींच रहा हूँ, रुक ले, फोटोग्राफर हमारा सेकंड फोटोग्राफर। इनकी ये बकचोदी चल रही है दोस्तों यहाँ, और अगर ये नीचे चढ़ गए तो ये एक को तैरना नहीं आता हमने से। तो गाइस कुल मिला के इस प्रकृति के, नेचर के बीचों बीच बसे झरने को अब हम कहते हैं अलविदा। बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी खूबसूरत सी यादों को लेके अब हम बढ़ जाते हैं वापस। तो मेरे दोस्त चले गए हैं, और इस जर्नी के साथ आज की ये खूबसूरत वीडियो समाप्त होती है। बस यहाँ पे अभी थोड़ा सा तार बाड़ किया हुआ है, और वो रहे मेरे साथ वाले, और मैं आप सबको एक बार फिर से बाय बोलता हूँ। अगर हमारी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने रिव्यूज़ दीजिए, और इस फैमिली के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस आपका, जल्द ही मिलते हैं एक और नई लोकेशन, एक नई खूबसूरत से जगह के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और हेल्दी रहिए, खुश रहिए, यही आपके लिए हम दुआ करते हैं। बाय गाइस। तो अगर आपको लोकेशन देखनी हो यहाँ जाने के लिए, तो दूना खोला के पास ये पुल दिखता है, उसके पास आप गाड़ी को खड़ी कीजिए, और यहाँ से करीबन 50 से 60 मीटर इस मार्ग से आप कालीताल तक जा सकते हैं। तो वीडियो समाप्ति की ओर आप क्या कहना चाहेंगे नागपाल जी, कैसा रहा आपका सफर आज का? बेहतरीन, से भी ऊपर। तो ये फाइनल वीडियो है, तो अब हम इसके बाद वापस जा रहे हैं गंगोली घाट की तरफ। बाय तो बोल दो सालो, बाय बाय।